रायबरेली में डॉक्टरों के द्वारा निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान हुई लापरवाही के कारण मासूम बच्चे का हाथ कट गया। मामले को संज्ञान में लेते हुए बीजेपी से सदर विधायक अदिति सिंह ने नर्सिंग होम संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया। मामला शहर के नेहरू नगर क्रॉसिंग पर स्थित प्राइवेट सत्यम हॉस्पिटल का है, जहाँ लालगंज थाना क्षेत्र के रानीपुर गाँव निवासी सुरेंद्र शर्मा के 2 वर्ष के मासूम बच्चे राघव को निमोनिया होने के कारण 13 जून 2023 को प्राइवेट सत्यम हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। धरती के कराने के बाद डॉक्टर ने बच्चे का इलाज शुरू किया। इलाज के दौरान बच्चे के साथ साथ कई इंजेक्शन भी लगाए गए, जिसके एवज में डॉक्टरों ने मासूम बच्चे के परिजनों से फीस के तौर पर मोटी रकम भी वसूली। इसी बीच बच्चे के जिस हाथ में इंजेक्शन लगा था उसमें इंफेक्शन फैलने लगा। ये बात बच्चे के पिता ने जब अस्पताल के डॉक्टरों को बताई तो डॉक्टरों ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। बच्चे को जो है बुखार आ रहा था तो उसको मैंने सत्यम हॉस्पिटल में 13 जून को जो है एडमिट कराया, और वो उन्होंने जो है गलत जगह बीगो लगाने की वजह से इन्फेक्शन फैल गया उसमें। और उसके बाद जो है हम उनको बोले भी जो है इसको इसमें ये क्या हो रहा है, तो जो बोल रहे हैं ये सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मुझे लगा कि अभी यहाँ पर नहीं सही होगा, तो मैं अपनी तरफ से जो है निकाल के जो है एम्स में लेके गए। एम्स में बताया कि जो है अभी हाथ काटना पड़ेगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।